नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। यहाँ पर इस वीडियो के दौरान जीकेएम एलएमसी 8.4 रिलीज 18 के बारे में बात करने वाले हैं। इस जीकेएम के साथ आप जो है वाइब्रेंट फोटोज को क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर हमने पोको F1 डिवाइस के ऊपर इस जीकेएम को इंस्टॉल किया है एंड ढेर सारी फोटो सैंपल को मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर हमने जीकेएम एलएमसी 8.4 रिलीज 18 के साथ जो है पर XML फाइल को इंस्टॉल किया है। इस XML फाइल के साथ जो कुछ इस तरह से यूजर इंटरफेस देने को मिलेगा। यहाँ पर LDR मोड का ऑप्शन है, यहाँ पर लाइका फोटो मोड का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, प्लस इस ऑप्शन में टैप करके यहाँ पर जो ऑटो वाइट बैलेंस मैनुअल फोकस का ऑप्शन है, अलग अलग ऑप्शन को बेसिकली ऐड किया गया है। तो यहाँ पर ये जो XML फाइल है, इस XML फाइल के साथ जो आप एक्सलेंट वाइब्रेंट कलर के साथ जो फोटो को क्लिक कर पाओगे, ज़्यादा सैचुरेट देने को नहीं मिलेगा, ओवर सैचुरेट देने को नहीं मिलेगा, प्लस फोटो के साथ जो काफ़ी बढ़िया डिटेल्स भी देखने को मिलेगा एंड फोटो के ऊपर जो नॉइस है उसे भी रिड्यूस किया गया है, प्लस यहाँ पर जो एक्सपोजर है उसके साथ भी काफ़ी बढ़िया बैलेंस देने को मिलेगा। एंड ये जो XML फाइल है पोको F1 Realme GT2 5G प्लस Redmi Note 7 Pro डिवाइस के साथ भी काम कर जाएगा। तो सबसे पहले पर बात कर लेते हैं फोटो क्वालिटी के बारे में। तो हम जो है आपके सामने लाइव कुछ फोटो को क्लिक करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने जो है लाइका मोड को सिलेक्ट किया है, प्लस जो LDR मोड है उसे भी हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया है एंड इसके साथ जो फोटो क्लिक करने वाले हैं, देख सकते हो यहाँ पर जो है यहाँ पर HDR पोइसिंग का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। तो यहाँ पर इस जीकेएम के साथ जो है पर व्यू फाइंडर के ऊपर जो मैक्सिमम स्किन ब्राइटनेस देने को मिलता है एंड यहाँ पर डार्क मोड का जो ऑप्शन से एनेबल है। एनीवे और कुछ फोटो क्लिक करके देखते हैं एंड यहाँ पर बहुत ही फास्ट जो है पर फोटो क्लिक हो जाएगा एंड सोशल शेयर का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, देख सकते हो। एंड यहाँ पर मैनुअल मोड का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, JW का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है एंड एनीवे फ्रंट कैमरा किस तरह से काम करता है ये भी देख लेते हैं। फ्रंट कैमरा के साथ भी कुछ फोटो क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर फ्रंट कैमरा भी काम कर रहा है, देख लेते हैं किस तरह से। एंड तो हमने पर फ्रंट कैमरा प्लस जो है पोर्ट्रेट मोड के साथ जो कुछ फोटो क्लिक किया है, यहाँ पर जो है HDR प्रोसेसिंग के दौरान जो आप कैमरा लेंस को जो है स्विच नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर जो लाइका मोड एंड LDR मोड का जो ऑप्शन है एनेबल है, तो हम सिंपली यहाँ पर जो लाइका मोड है एंड जो LDR मोड है सबसे पहले डिसेबल करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जो लाइका मोड को डिसेबल कर दिया है, प्लस जो LDR मोड है इसे भी हमने यहाँ पर डिसेबल कर दिया है फ्रंट कैमरा के लिए। उसके बाद फिर से फोटो क्लिक करते हैं एंड अभी फिलहाल पोर्ट्रेट मोड के साथ। तो यहाँ पर जो सोशल शेयर का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, आप डायरेक्टली जीकेएम से फोटो एंड वीडियो को भी शेयर कर सकते हो। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से जो फोटो क्वालिटी देने को मिलता है, देख सकते हो। ये जो फोटो है हमने यहाँ पर लाइका मोड प्लस जो है LDR मोड को एनेबल करने के बाद क्लिक किया है। एक्चुअली जो LDR मोड है उसे क्लिक करने के बाद जो है पर लो डायनेमिक रेंज के साथ जो फोटो क्लिक करता है एंड काफी हद तक जो है पर सिनेमेटिक लुक देखने को मिल गया है। फोटो के ऊपर डिटेल्स काफी बढ़िया है, काफी बढ़िया हाईलाइट एंड शेडो के साथ भी इम्प्रूवमेंट देने को मिल जाएगा, प्लस HDR मोड भी काफी बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। एंड यहाँ पर इस फोटो को हमने लाइका मोड एंड LDR मोड को एनेबल करने के बाद क्लिक किया है, यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड के साथ कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है। एंड ये जो फोटो आप देख सकते हो, इस फोटो को हमने यहाँ पर नॉर्मली जो लाइका मोड है एंड जो LDR मोड है उसे डिसेबल करके क्लिक किया है। फोटो के ऊपर डिटेल्स काफी बढ़िया है, यहाँ पर HDR मोड भी बढ़िया है, यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड के साथ जो ब्लर है वो भी काफी बढ़िया देखने को मिलता है। तो आप इस जीकेएम को बेसिकली यूज कर सकते हो, बढ़िया फोटो क्वालिटी देने को मिलेगा। ना पर बात कर लेते हैं पर फोटो सैंपल के बारे में। तो ये सभी जो फोटो है हमने पर आउटडोर में जाके क्लिक किया है। फोटो के ऊपर जो कलर है काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी हद तक जो वाइब्रेंट कलर देने को मिलेगा, ना ही ज़्यादा सैचुरेट एंड जो है ओवरऑल बढ़िया जो है सोशल मीडिया रेडी फोटो क्वालिटी देखने को मिल गया है। एंड फोटो के ऊपर जो डिटेल्स है वो भी काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी हद तक जो है पर बढ़िया ब्लर देने को मिलेगा, नेचुरल ब्लर देखने को मिल जाएगा, DSLR जैसा ब्लर देने को मिलता है। प्लस यहाँ पर फोटो के साथ जो जूम करने के बाद भी काफ़ी बढ़िया जो है पर क्वालिटी देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर डिटेल्स के साथ जो है इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है एंड डेफिनेटली यहाँ पर जो है एक्यूरेट कलर देखने को मिल जाएगा, नेचुरल कलर देखने को मिल जाएगा एंड
यहाँ पर जो है शेडो हाईलाइट के साथ भी इम्प्रूवमेंट देने को मिलता है। प्लस फोटो के ऊपर जो नॉइस उस भी रिड्यूस किया गया है, काफ़ी कम नॉइस देने को मिल जाएगा एंड वाइब्रेंट कलर देने को मिलेगा ऑलमोस्ट सभी फोटोज़ के साथ एंड बेटर कलर विद बेटर डिटेल्स देने को मिलता है। प्लस ऑटो वाइड बैलेंस भी काम करता है एंड इस जी कैम को आप एज ए डेली ड्राइवर यूज़ कर सकते हो। ऑलमोस्ट सभी जो फीचर्स है पर काम कर जाएगा, स्टेबल जी कैम के ऊपर बेस करके तैयार किया गया है। इवन फ्रंट कैमरा के साथ भी आप इस जी कैम को यूज़ कर सकते हो, यहाँ पर फ्रंट कैमरा के साथ भी काफ़ी बढ़िया क्वालिटी देने को मिलेगा एंड यहाँ पर कोई भी ग्रीन टिंट का इशू नहीं है। पोर्ट्रेट मोड सेल्फी के साथ भी आप बढ़िया बढ़िया फोटो क्लिक कर सकते हो। सोशल मीडिया रेडी फोटो क्वालिटी देने को मिलता है, काफ़ी हद तक अच्छे कॉन्ट्रास्ट फोटो को क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर एस्ट्रो मोड लो लाइट फोटोग्राफी के लिए भी आप इस जी कैम को यूज़ कर सकते हो। प्लस जो है वीडियो स्टेबलाइजेशन OIS EIS का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा अगर आपके डिवाइस के ऊपर अवेलेबल है तो। एंड यहाँ पर डायनेमिक रेंज भी काफ़ी बढ़िया है, कॉन्ट्रास्ट फोटो क्लिक कर सकते हो एंड काफ़ी बढ़िया जो है ओवरऑल सैचुरेट फोटो क्लिक कर पाओगे। तो आप डेफिनेटली इस जी कैम को ट्राई करके देखो आपके डिवाइस के ऊपर एंड आपको फोटो सैंपल कैसा लगा आप जरूर से कमेंट करके बताना। यहाँ पर DSLR जैसा जो है ब्लर देने को मिल जाएगा एंड इवन जूम करने के बाद भी क्वालिटी जो है काफ़ी बढ़िया है। देख सकते हो हमने जो है कितना जूम किया है, उसके बाद भी बढ़िया क्वालिटी देखने को मिलता है इस जी कैम के साथ। ना पर बात कर लेते हैं इस जी कैम के साथ जो किस तरह से XML फाइल को इम्पोर्ट करना होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जीकेएम एलएमसी 8.4 रिलीज 18 के साथ साथ जो XML फाइल है, दोनों फाइल का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाके दोनों फाइल को डाउनलोड करना होगा। सबसे पहले जीकेएम को डाउनलोड करने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद पहली दफा जब ओपन करोगे कुछ परमिशन को अलाउ करना पड़ेगा। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर जो है मोर सेटिंग्स में जाना होगा। मोर सेटिंग्स में जाने के बाद जो है यहाँ पर ये जो ऑप्शन है इस ऑप्शन में टैप करना होगा। इस ऑप्शन में टैप करने के बाद यहाँ पर सेव सेटिंग्स का जो ऑप्शन है इसमें टैप करना होगा। उसके बाद जो है यहाँ पर यस में टैप करना होगा। देन आपको सिंपली यहाँ पर जो है फाइल मैनेजर को ओपन करना होगा। फाइल मैनेजर को ओपन करने के बाद आपने जिस भी फोल्डर में XML फाइल को डाउनलोड किया है उस फोल्डर में जाके XML फाइल को सिलेक्ट करके यहाँ पर 3 डॉट में टैप करके यहाँ पर कॉपी और मूव कर सकते हो। सिंपली यहाँ पर कॉपी करके इंटरनल स्टोरेज में जाके LMC 8.4 करके फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। इस फोल्डर में जाके सिंपली यहाँ पर जो है पेस्ट कर देना होगा। तो ये जो XML फाइल है इसे सिलेक्ट करके यहाँ पर LMC 8.4 करके जो फोल्डर क्रिएट होगा इसमें जाके यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर देना होगा। उसके बाद फिर से गूगल कैमरा को रीस्टार्ट करना होगा। गूगल कैमरा को रीस्टार्ट करने के बाद जो यहाँ पर सिंपली 4:3 सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर डबल टैप करना होगा। डबल टैप करने के बाद कुछ इस तरह से जो यूजर इंटरफेस देने को मिलेगा। तो यहाँ पर इस एरो में टैप करके जो XML फाइल है इसे सिलेक्ट करके यहाँ पर इम्पोर्ट में टैप करना होगा। इम्पोर्ट में टैप करते आपके डिवाइस के ऊपर जो XML फाइल है इम्पोर्ट हो जाएगा। कुछ इस तरह से ऐसे भी जो ऑप्शन है देने को मिलेगा इस जी कैम के साथ। एंड यहाँ पर नाइट साइट मोड के साथ जो है पर लाइट प्रिंटिंग मोड एस्ट्रो मोड का जो ऑप्शन से काम करेगा। यहाँ पर एस्ट्रो फोटोग्राफी का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, मैनुअल फोकस का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड के साथ जो है फेस रिटचिंग HDR एनहेंस मोड का जो ऑप्शन से काम करते इसे भी ऐड किया गया है। कैमरा के साथ जो है HDR एनहेंस मोड का जो ऑप्शन से काम करेगा। वीडियो रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, फुल HD 4K वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। पर ऑटो FPS 24 FPS 30 FPS 60 FPS का ऑप्शन है, एक्सटर्नल माइक का ऑप्शन है। या पर वीडियो स्टेबलाइजेशन के साथ जो स्टैंडर्ड लॉक एक्टिव सिनेमेटिक पैन का ऑप्शन है। या पर पैनोरामा एंड टाइम लैप्स का जो ऑप्शन से काम करता है। इस तरह से सभी जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। या पर इस XML फाइल के साथ जो है व्यू फाइंडर के ऊपर जो है मैक्सिमम ब्राइटनेस देने को मिलेगा। एंड यहाँ पर जो प्रोसेसिंग फंक्शन का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, फोटो प्रोसेसिंग का ऑप्शन है, सिस्टम सेटिंग्स का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर जो एडवांस का जो ऑप्शन है अवेलेबल है। यहाँ पर HDR कंट्रोल रॉ फोटोज का ऑप्शन है। यहाँ पर इनेबल टाइम लैप्स फॉर एस्ट्रो फोटोग्राफी का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। टाइमर लाइट का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। प्लस यहाँ पर डेवलपर सेटिंग्स का ऑप्शन है, कैमरा साउंड को डिसेबल कर सकते हो। गूगल लेंस का सजेशन है ऐड किया गया है। सोशल शेयर का ऑप्शन है, गेशेस का ऑप्शन है, डिवाइस स्टोरेज प्लस यहाँ पर ग्रिड टाइप का ऑप्शन है। मैनुअल कंट्रोल का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। सेफ सेल्फीज प्रीव्यू का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। एडिशनल कैमरा का ऑप्शन है, मल्टीपल लेंस का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा।
वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ जो वीडियो स्टेबलाइजेशन ऑडियो जूम का ऑप्शन है, HEVC फॉर्मेट में वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो, वीडियो स्टेबलाइजेशन का जो ऑप्शन है काम कर जाएगा। तब डेफिनेटली इस GCam को ट्राई करके देखो आपके डिवाइस के ऊपर। एंड रिसेंटली हमने यहाँ पर गूगल कैमरा 8.9 का जो लेटेस्ट बिल्ड है उसका रिव्यू वीडियो अपलोड किया है, आप सिंपली GCam का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाके चेकआउट करके देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर सकते हो। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर।